दोस्तों, हम लोग कई बार अपनी स्मार्टफोन स्क्रीन को, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, उसको अपने स्मार्ट टीवी पे कास्ट करते हैं, जिससे कि हमें बहुत आसानी होती है कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, या हमें अगर कोई वीडियो प्ले करना होता है, या इन जनरल भी हमें अगर अपने फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर देखना होता है, तो हम कास्ट फीचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने पीसी या लैपटॉप पे अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो एंड्रॉयड 11 पे काम करता है, और जो मैं लैपटॉप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 10 पे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लैपटॉप्स या पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें ये फीचर पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होता है, पहले से आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ़ोन में और अपने स्मार्टफोन से हम पहले तो वाईफाई ऑन कर लेंगे, क्योंकि कास्ट स्क्रीन करने के लिए हमें वाईफाई का ऑन रखना बहुत ज़रूरी है अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, तो अब वाईफाई ऑन होने के बाद अब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको स्क्रीन कास्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है, ये आपको अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पे दिखेगा, लेकिन सेटिंग्स में आपको जनरली कनेक्शन एंड शेयरिंग के ही टैब में ये मिलेगा। तो स्क्रीन कास्ट के ऑप्शन में जाते हैं और करते हैं इसको ऑन। तो अब आप देख सकते हैं कि अवेलेबल डिवाइसेस को सर्च करने लगा है, लेकिन कोई भी डिवाइस इसकी प्रॉक्सिमिटी पे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके जो पीसी या लैपटॉप है उसमें स्क्रीन कास्ट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकें, या फिर आपने अपने लैपटॉप में उस फीचर को ऑन नहीं किया है। चलिए लैपटॉप पे चलते हैं, और यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन पैनल है, इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि कनेक्ट और प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो चलिए कनेक्ट पे जाके देखते हैं। कनेक्ट पे आप जाएंगे तो यह देखेंगे कि अब जो मेरा लैपटॉप है, जो विंडोज़ डिवाइस है, वो भी ऐसे ही डिवाइसेस को सर्च करने लगा है, लेकिन ना ही यहाँ पे फ़ोन में आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखा है, या लैपटॉप की लिस्टिंग हो रही है अवेलेबल डिवाइसेस में, और ना ही इस लैपटॉप पे ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब कैसे हम करेंगे इस स्क्रीन को कास्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपली सर्च बार दबाएँ और उसके बाद सेटिंग्स में टाइप करेंगे तो सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ सेटिंग्स पे अब हम आ गए हैं, और अब हम सबसे पहले जाके चेक करेंगे सिस्टम में, और इस पर सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एक ऑप्शन है, इसे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी के जो ये ऑप्शंस हैं नीचे, ये जो है ब्लैक्ड आउट है, यानी कि ऐसा फीचर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे लैपटॉप में। तो इसके अलावा हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शनल फीचर्स का एक जो है बटन दिखेगा, तो आप एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहीं से इसको जो है क्लिक कर लें, ऑप्शनल फीचर्स में चले जाएं, और अगर आपको ये ऑप्शनल फीचर्स इस स्क्रीन पे नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वापस से मेन सेटिंग्स के पेज में आएं, और उसके बाद ये ऐप्स के कॉलम में आप जा सकते हैं। ऐप्स के कॉलम के बाद में जाने के बाद आपको यहाँ पर अगेन ऑप्शनल फीचर्स का एक बटन दिखेगा ऐप्स एंड फीचर्स की लिस्ट में, तो इसे क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि जो जो इंस्टॉल्ड सर्विसेज हैं, इंस्टॉल्ड फीचर्स हैं, वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले जैसा कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐड अ फीचर में जाना है, और उसके बाद ऊपर यहाँ हम सर्च भी कर सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले को, बट यहाँ नीचे स्क्रोल करेंगे आप तो जनरली आपको सबसे नीचे ये मिल जाएगा वायरलेस डिस्प्ले। तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ और कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है, और अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट कर लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं डेस्कटॉप पे और अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं, और फ़ोन में एक और बार रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हैं कि अभी भी ये डिवाइस सर्च नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस सेटिंग्स में, और इस बार हम लोग जाएंगे सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कि लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, तो आप इसे क्लिक कर लें, और अगेन फ़ोन में जाके आप
जब रिफ़्रेश करेंगे, स्क्रीनकास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ मुझे अपने नाम का जो लैपटॉप है वो लिस्ट में आ गया है। तो इसको क्लिक कर लेंगे सिंपली और आप लैपटॉप पे देख सकते हैं कि इस जो Realme 7 जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इज़ अबाउट टू प्रोजेक्ट। और ये स्क्रीन फाइनली यहाँ पे लैपटॉप पे मेरे कास्ट होने लग गई है और अच्छे से ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड या iOS फ़ोन की जो डिस्प्ले है उसको अपने विंडोज़ लैपटॉप में कास्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और आप इसे शेयर भी ज़रूर करें जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही लगातार वीडियोज़ पसंद आती हैं, आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल की जल्द से जल्द मिल जाए और आप ऐसी ही वीडियोस एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।